हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल और मैं हूं चंद्रभान। और हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के भूगोल की। उत्तर प्रदेश के भूगोल में जो हमारी सीरीज चल रही थी, अर्थात पिछले वीडियो में हमने बात की थी उत्तर प्रदेश की सिंचाई के बारे में, उत्तर प्रदेश की सिंचाई तथा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरों के बारे में। तो वो आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसी का पार्ट टू है। और मैंने बताया था कि हम बात करेंगे अगले वीडियो में जो प्रमुख बांध हैं उनके बारे में, और कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, पेयजल परियोजना हैं, उन सभी के बारे में। तो कुछ पेयजल परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं और बांधों के बारे में उत्तर प्रदेश के पूछ लिया जाता है, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो दोस्तों, एक बार भी बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का ये जो हमारा सीरीज चल रही है हमारी उत्तर प्रदेश की, ये आपका उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी जो आपकी घोषणा हुई है उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक की, अर्थात UPSI की दरोगा भर्ती, तो उसमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का जितना भी आपके उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे उत्तर प्रदेश के भूगोल की बात हो, उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात हो, या उत्तर प्रदेश की जनगणना की बात हो। तो सभी के सभी हम लोग यहाँ पर चर्चा विस्तार पूर्वक करने वाले हैं, और ये सीरीज लगातार चलेगी जब तक कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाता, कम्प्लीट नहीं हो जाता। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बांध, पेयजल परियोजनाएं और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। आपको सिर्फ वीडियो देखना है, मैप के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा, और बहुत ही छोटा वीडियो होगा, शॉर्ट तरीके से एकदम आपको बता दूंगा मैं। और कौन कौन सी पेयजल परियोजनाएं, कौन कौन से बांधों के बारे में आपको याद रखना है, मैं उसको उस पर भी फोकस कर दूंगा, ताकि आप सभी तो नहीं लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं उनके बारे में आपको जानकारी हो सके। हालांकि मैंने जो मुख्य मुख्य हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देख रहे हैं, ये आपका मैप बना हुआ है और इसी पर मैंने दर्शाया हुआ है जो कुछ पेयजल परियोजनाएँ हैं, बांध हैं और आपकी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। शुरुआत अगर करें यहाँ से, तो आप देख रहे हैं हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर बनाया गया, हथनी कुंड बैराज। और ये आपका किस जिले में है उत्तर प्रदेश के, तो हथनी कुंड बैराज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हथनी कुंड बैराज है। यमुना नदी पर इसको निर्मित किया गया था 1872 ईस्वी में। आप देख रहे होंगे कि जो सहारनपुर है ये आपका हरियाणा से भी सीमा बनाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, इधर हरियाणा हो गया, दिल्ली भी हो गया। तो हथनी कुंड बैराज जो ये परियोजना है, ये जो बैराज है, ये कुल मिलाकर के आपका 5 राज्यों के साथ का संयुक्त उपक्रम है। कितने? 5 राज्यों का। 5 राज्यों को इस बैराज से लाभ होता है, अर्थात पेयजल के लिए भी और सिंचाई के लिए भी। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं उनकी अगर बात करें, तो एक तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा आपका हरियाणा हो गया, तीसरा आपका दिल्ली है, और उसके बाद चौथा यहाँ पर आपका मथुरा से लगा हुआ आपका राजस्थान है। और ऊपर जब जाएंगे, यहाँ सहारनपुर से बॉर्डर बनाता है आपका एक प्रदेश जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो ये कुल मिलाकर के 5 राज्यों का संयुक्त ये प्रोग्राम है हथनी कुंड बैराज। और ये पेयजल परियोजना है किस पर है? यमुना नदी पर है, क्योंकि पता है कि यमुना नदी ऐसे ही सहारनपुर से और इस तरीके से हरियाणा को विभाग, हरियाणा के बॉर्डर पर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, ये आपका इधर हरियाणा या उत्तर प्रदेश है, तो इस हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बहती है यमुना नदी। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आपने नदियों का चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हथनी कुंड बैराज किस नदी पर है, क्योंकि यहाँ से पास है सिर्फ यमुना नदी ही निकली है, ठीक। तो ये हो गया हथनी कुंड के बारे में। तो याद रखिए, हथनी पूछेगा कैसे कि हथनी कुंड बैराज पेयजल परियोजना किस जिले में है उत्तर प्रदेश के, तो सहारनपुर जिले में है। कुल कितने राज्य इससे सिंचाई करते हैं, सिंचाई का लाभ उठाते हैं या पेयजल का लाभ उठाते हैं? 5 राज्य आपके, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ठीक। ये पूछेगा, पूछ लेगा कि हथनी कुंड बैराज किस नदी पर स्थित है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये इसके बारे में हो गया। गंगा जल परियोजना, ये आपका दिल्ली और नोएडा के में एक साथ है, और यहाँ पर जो इसकी क्षमता है वो 50 क्यूसेक जल की क्षमता है इसके धारण करने की। तो ये दिल्ली और नोएडा में स्थित है, ये याद रखिए।
आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका, गोकुल बैराज पेयजल परियोजना। गोकुल बैराज पेयजल परियोजना कहाँ पर स्थित है, ये कई बार पूछा गया है, तो आपका मथुरा जिला में स्थित है। और ये कैसी परियोजना है, पेयजल परियोजना है, मुख्य रूप से ये पेयजल परियोजना है। और इस पेयजल परियोजना से दो जिले उत्तर प्रदेश के लाभान्वित होते हैं, एक तो आपका वो मथुरा हो गया और दूसरा आपका आगरा हो गया, ठीक है। तो ये गोकुल मथुरा में ही गोकुल नामक जगह पर ये स्थित है और यमुना नदी पर है, याद रखिए, क्योंकि यमुना नदी यहाँ से निकली हुई है। ये आगरा बैराज पेयजल परियोजना है, ये आगरा में स्थित है, ये भी यमुना नदी पर है। तो यमुना नदी ऐसे निकल रही है, इस वजह से तीन के तीनों आपके यमुना नदी पर हैं। तो आपका गोकुल बैराज पेयजल परियोजना आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप जा करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त ये प्रोग्राम है, संयुक्त परियोजना है, दोनों बराबर मिल करके इस पर काम किए हैं, ठीक है। किस पर, राजघाट परियोजना पे। राजघाट परियोजना के बारे में बात करें और माता टीला बांध के बारे में बात करें तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। कई बार आप एग्ज़ाम में देखेंगे कि माता टीला बांध कहाँ पर है, झांसी में, कहीं लिखा मिलेगा ललितपुर में, तो बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। आज वो कन्फ्यूज़न मैं आपके का दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कहीं किसी जगह पर आपको ये चीज़ बताया नहीं गया है, सिर्फ रटवा दिया जाता है। मैं आपको लोकेशन बताने की कोशिश करूँगा, कुछ हद तक आप इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। कुछ हद तक क्या, लगभग 99.9% इस चीज़ को क्लियर हो जाएगा आपका कि ये आपका माता टीला बांध कहाँ पर है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है और राजघाट परियोजना क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ललितपुर में दिखाया है, ये आपका ललितपुर है और यहाँ तक दोस्तों आपका ये झांसी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक झांसी है, याद रखिए, ठीक है, यहाँ तक झांसी है। अब जो आपकी बेतवा नदी है, वो बेतवा नदी ऐसे जाती है, ऐसे, ठीक, इस तरीके से ऐसे बेतवा नदी निकलती है। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो पॉइंट है, ये आपका इधर झांसी से भी लगा हुआ है, इधर आपका ललितपुर से भी लगा हुआ है और ये इधर वाला आपको पता है कि इधर भी मध्य प्रदेश और इधर भी मध्य प्रदेश है, ठीक। तो राजघाट जो बांध है वो इस यहीं पर, ये जो बेतवा नदी निकली हुई है, इसी बेतवा नदी पर है राजघाट बांध। और इसी बांध को हम माता टीला बांध भी कहते हैं, ठीक है, और इसी को हम रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं। इसी से एक पुल भी ऐसे निकला हुआ है, पुल जिसको हम राजघाट पुल भी बोलते हैं, माता टीला रोड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आप मैप में जा करके गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। तो ये जो बेतवा नदी है, ये कुल मिला करके यहाँ, ये तो मध्य प्रदेश है, ठीक, मध्य प्रदेश के बाद ये जब ऐसे निकली तो ये जो हिस्सा है ललितपुर का, तो ललितपुर से सटा हुआ है। अगर हम बात करें मुख्य रूप से माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो फिर ललितपुर आंसर ज़्यादा सही होगा, क्योंकि माता टीला यहीं पर है और झांसी आपका मुख्य रूप से यहाँ पर है। हालांकि झांसी बॉर्डर है, झांसी ज़्यादा दूर नहीं है, झांसी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ये यहाँ से आपका झांसी लगता है, ठीक, ये आपका यहाँ पर बांध है और यहीं से आपका झांसी लगता है। तो राजघाट जो परियोजना है बेतवा नदी पर स्थित है, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बराबरी बराबर इसमें हिस्सेदारी है और दोनों ने मिल करके इसको बनाया हुआ है। तो बेतवा नदी के पानी को राजघाट में हम रोक लेते हैं, ठीक, राजघाट उसी जगह पास में आपका क्या है, रानी लक्ष्मीबाई बांध भी है। अब आगे जब जाएंगे तो जो आपका परीक्षा बांध, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है परीक्षा बांध, झांसी जलौन और हमीरपुर, तो परीक्षा बांध आपका यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे आप, मैं गोला बनाए दे रहा हूँ, ये जो आपका है परीक्षा बांध, ये आपका पूरी तरीके से, ये आपका यहाँ तो MP है लेकिन ये पूरी तरीके से आपका किस में है, ये पूरी तरीके से आपका यहाँ पे देखिए, ऐसे ही आपका नदी गई और ये जो मैंने गोला बनाया यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आपका परीक्षा बांध है। अर्थात परीक्षा बांध की बात करेंगे तो बेतवा नदी पर ही ये झांसी में स्थित है। तो पूर्ण रूप से परीक्षा बांध आपका झांसी में है, बट आपका माता टीला, देखिए माता टीला आपका ब्रिज भी है, माता टीला रिजर्वर भी है, माता
टीला, आपका डैम भी है, और तीनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। माता टीला रिजर्वर का मतलब हो गया कि बेतवा नदी के पानी को जब इकट्ठा किया गया वही बांध बना करके, तो उसको माता टीला रिजर्वर बोलते हैं। उसी के पास में डैम बनाया गया था इसलिए डैम बोलते हैं, ठीक। और उसी जगह पे जब बांध करके उसको बेतवा नदी के पानी को बांध करके छोड़ा जाता है, उसी को राजघाट बांध बोलते हैं। बगल में जहां से आपका मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश और ललितपुर का बॉर्डर है, ललितपुर बॉर्डर है, उसी पे पुल बना दिया गया है जिसे हम राजघाट पुल भी बोलते हैं, ठीक है, उसको राजघाट बांध भी बोलते हैं। परीक्षा बांध मुख्य रूप से आपका झांसी में है, लेकिन माता टीला बांध जो है वो मुख्य रूप से झांसी में नहीं है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन आपका ललितपुर से सीमा बनाता है, ललितपुर से भी जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई जो नहर है वो इसी से निकाली गई है, राजघाट बांध से, रानी लक्ष्मीबाई नहर, और यहीं पर आप देख रहे हैं उसी, इसीलिए इसको रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहा जाता है। उसी को देखिए, जैसे ये आपकी ये गई बेतवा, बेतवा का पानी इकट्ठा किया गया तो बेतवा रिजर्वर बोला गया। इधर आपका ललितपुर है और ये आपका ये ललितपुर है, ठीक है, और ललितपुर के इधर भी आपका एमपी है और आपका इधर भी एमपी है, यहाँ आपका आकर के ऐसे झांसी मिलता है यहाँ पे आके, ठीक। तो इस पानी को रोक करके एक देखिए, एक तो ऐसे इसमें इसी में से एक ये आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और ये आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे धंसा हुआ है आपका ललितपुर जैसे देख रहे हैं आप, ठीक। तो क्या किया गया है कि इसी पर एक ऐसे पुल बनाया गया है, इसी पर ऐसे एक पुल बनाया गया जिसको राजघाट पुल बोलते हैं, और ऐसे ही बेतवा का पानी छोड़ दिया जाता है, आगे ये चला जाता है। तो ये आपका रिजर्वर है माता टीला का, ठीक, यहीं पर माता टीला डैम है और इसको हम राजघाट बांध बोलते हैं। राजघाट बांध से जब पानी छोड़ा जाता है तो आगे आपका झांसी आता है, झांसी के पास में भी बांध बनाया गया जिसको हम परीक्षा बांध बोलते हैं। तो ये मैंने समझाने की आपको कोशिश की, उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में हो सकता है आ गया हो आपको, ठीक है। चलिए, तो राजघाट परियोजना बेतवा, अब आइए चलिए वो सारी बातें छोड़ दीजिए, अब आप एकदम बिना डाउट के क्लियर हो जाइए कि राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों पर है। उत्तर प्रदेश के जिले की बात करेंगे तो आपका ललितपुर आएगा, ठीक, उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर राजघाट परियोजना में आएगा, अगर जिले की पर्टिकुलर एक जिले की बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं हम माता टीला बांध, बेतवा नदी पर ये भी है, रानी लक्ष्मीबाई बांध बोलते हैं इसको। एक पथराई बांध भी है आपका यहीं झांसी में, कहाँ, झांसी में पथराई नदी पर। परीक्षा बांध आपका झांसी, जालौन, हमीरपुर, जो परीक्षा बांध से तीन जिले लाभान्वित होते हैं, ठीक, तीन जिले लाभान्वित होते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे महोबा में एक बांध है अर्जुन बांध, जो कि अर्जुन नदी पर है, याद रखिए। मौदहा बांध आपका बिरमा नदी पर है हमीरपुर में, मौदहा बांध बिरमा नदी पर है हमीरपुर में, ये आप याद रखिए। ऊपर आ जाइए यहाँ पर देख रहे हैं बिजनौर यहाँ पर है, और बिजनौर से ही आपको पता है कि रामगंगा जो है सबसे पहले बिजनौर में प्रवेश करती है, तो रामगंगा परियोजना यहां पर स्थित है और इसी पर रामगंगा बांध भी बना हुआ है। रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इसकी लगभग ऊंचाई है 128 मीटर। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध जो है वो रामगंगा नदी पर है और रामगंगा बांध इसको बोलते हैं। आगे इधर आते हैं तो आप देख रहेंगे ये वाला हिस्सा रीजन आपका सोनभद्र का है। सोनभद्र में ही आपका रिहंद नदी है, आपको पता है कि ऐसे सोन जाती हो और रिहंद नदी जो है सोनभद्र में क्या है कि सोन से मिल जाती है। रिहंद नदी सोन नदी से सोनभद्र में मिल जाती है, ठीक है, ऐसे सोन नदी निकल करके आपका आगे बढ़ती है और बिहार में प्रवेश करती है। तो यहीं पर एक नदी ऐसे जाती है रिहंद नदी, और ये आपका सोन नदी है, मैंने नदी वाले चैप्टर में बता दिया है आपका यहाँ रिहंद है। तो रिहंद नदी पर ही आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना स्थित है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र, और सोनभद्र में एक जगह है पिपरी, उस पिपरी में ये गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना स्थित है। एक
और इस बांध है यहीं पर कन्हार बांध, दुधी नामक जगह पर, ये कन्हार नदी पर है। ठीक है, तो कन्हार नदी पर कन्हार बांध सोनभद्र में, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना रिहंद नदी पर सोनभद्र के पिपरी नामक जगह पर। आगे आप देखते हैं, यही पास में आपका मिर्जापुर जिला भी पड़ता है, यहाँ पर मेजा जलाशय बांध है। तो मेजा जलाशय बांध मिर्जापुर में बेलन नदी पर स्थित है, ठीक, ये याद रखिए। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पास में चंदौली है, कौन सा जिला, चंदौली, चंदौली में है मूसा खांद बांध, ये आपका उत्तर प्रदेश बिहार का संयुक्त प्रोग्राम है ये, ठीक, यहाँ से आपका ये बिहार आ जाता है ना, बिहार बॉर्डर है। तो मूसा खांद बांध जो है उत्तर प्रदेश बिहार दोनों लोगों का मिलके बनाया गया है ये, किस नदी पर स्थित है, तो कर्मनासा नदी पर स्थित है चंदौली में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि देवदरी जो आपका प्रपात है, राजदरी देवदरी जलप्रपात, वो आपका कर्मनासा नदी पर चंदौली में है, इसकी मैंने कहानी भी आपको बताई थी। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख आपके बांध पेयजल व बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर और दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो बेतवा नदी पर माता टीला स्थान पर स्थित है झांसी में, सिंचाई झांसी ललितपुर और जालौन की होती है इससे। रिहंद घाटी परियोजना जो है वो रिहंद नदी पर है और सोनभद्र में पिपरी नामक स्थान पर, अभी बात की मैंने, इससे सिंचाई जो है मिर्जापुर सोनभद्र प्रयागराज वाराणसी, लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई रिहंद घाटी परियोजना से की जाती है। हथनीकुंड बैराज की बात करेंगे तो यमुना नदी पर स्थित है, सहारनपुर में है, निर्माण 1872 में किया गया, उपयोग कौन कौन से राज्य करते हैं, तो हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान, मैंने अभी बताया। अगला है बाढ़ सागर बांध परियोजना, शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दिखाया नहीं गया है पर आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया है, शहडोल जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है, यह सोन नदी पर स्थित है बाढ़ सागर बांध परियोजना। ठीक है, और इस ये आपका किस रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सिंचाई भी इससे की जाती है, पेयजल के रूप में भी इस्तेमाल होता है और इससे विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। 4 राज्यों का संयुक्त उपक्रम है ये, हालांकि आपको पुस्तक में हो सकता है कि 3 राज्यों के बारे में मिले, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, लेकिन अब झारखंड को भी इससे जोड़ दिया गया है। मैंने बताया कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से सोन नदी जो है वो निकलती है, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है, इधर आपका झारखंड है, ये आपका बिहार है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका मध्य प्रदेश है, तो 4 राज्यों में कुल मिलाकर के ये चल रहा है परियोजना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में। लौकुश बैराज ये एक पेयजल परियोजना है कानपुर पर, कानपुर में स्थित है गंगा नदी पर, कानपुर में बस एक ही बड़ी नदी है गंगा नदी। ठीक है, कानपुर में एक ही बड़ी नदी है, यहाँ पर आपका स्थित है कानपुर, तो गंगा नदी पर आपका लौकुश बैराज है, ये पेयजल परियोजना है। कचनौंदा बांध परियोजना, कचनौंदा बांध परियोजना है, ललितपुर में स्थित है सजनम नदी पर, तो ये ललितपुर है, ललितपुर में सजनम नदी पर आपका कचनौंदा बांध परियोजना है। अरोरा बांध परियोजना आपका बनारस में है, वाराणसी में गडई नदी पर स्थित है। तो ये जो मुख्य मुख्य आपके कुछ बांध थे उनकी हमने चर्चा की, मैप में भी दिखाने की आपको कोशिश की। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल का को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें, तथा अपने दोस्तों को शेयर भी करें, कोई समस्या हो तो कमेंट्स भी करें। तो बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, नमस्कार।